हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड यूनिट जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स एंड एडोफाइट्स के, आज हमको एक लास्ट मेंबर कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने लाइकोपोडियम इंडिविजुअल मेंबर की पूरी लाइफ साइकिल देखी, मॉर्फोलॉजी से एनाटॉमी से लेकर रिप्रोडक्शन तक। फिर हमने सिलेजिनेला को देखा, इक्वेसिटम को देखा, टेरिस को देखा। आज एक लास्ट मेंबर मार्सिलिया, जैसा मैंने पहले बताया था, मार्सिलिया पे ही मैंने पीएचडी करी है और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी मैंने कहा था एसएस बेल ने मार्सिलिया पे ही मेरे पीएचडी का ये वाइवा लिया था, उस मार्सिलिया की आज हम लोग बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, आपके एग्जाम में भी तरह तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर है टेडोफाइट्स का, मार्सिलिया है। अगर मैं इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन आपको बताऊं, टेडोफाइटा से स्टार्ट करके क्लास टेरोप्सिडा, जो डिवीजन भी मान लें, भले डिवीजन टेरोप्सिडा है तो क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, मैंने बताया था सिंगल सेल डेवलप्स इनटू स्पोरेंजियम, तो वो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होने की वजह से उस क्लास का नाम लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है। मार्सिलियल्स ऑर्डर, मार्सिलियेसी फैमिली, मार्सिलिया जीनस, और इसकी मोर देन 60 स्पीसीज भले ही पूरे वर्ल्ड में हैं, उनमें से हम अगर इंडिया की बात करें, राजस्थान की बात करें, अजमेर की बात करें, तो अपने पास पूरे राजस्थान में मोस्ट कॉमन जो 4 स्पीसीज हैं उसमें से 3 तो अपने अजमेर में भी मिलती हैं, जैसे मार्सिलिया राजस्थानेंसिस नाम से पता चल रहा है, मार्सिलिया माइन्यूटा मोस्ट कॉमन स्पीसीज, मार्सिलिया इजिप्टिया का, यह बहुत कॉमन स्पीसीज है, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया कोरोमेंडलियाना, मार्सिलिया केदारमलाई, ऐसे तरह तरह की कॉमन स्पीसीज अपने यहां मिलती हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन मार्सिलिया माइन्यूटा है। जब मार्सिलिया की प्लांट बॉडी हम लोग देखते हैं तो इसको स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, रूट्स स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट करते हैं प्लांट बॉडी को, और रूट्स तो सारे टेडोफाइट्स की एडवेंटिशियस टाइप की ही हैं। स्टेम क्रीप करता है, प्रोस्टेट ग्रो करता है, राइजोम कहलाता है। मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज जो मार्सिलिया की है वो हाइड्रोफिटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक स्पीसीज है, और उनमें से मार्सिलिया माइन्यूटा जैसे मैंने कहा था मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, और राजस्थान से राजस्थान एनसीसी इजिप्टिया का भी एम्फीबियस हैबिटेट में ग्रो करने वाली स्पीसीज है। इसी तरह मार्सिलिया की जब हम यंग लीव्स की बात करते हैं तो यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन, इस तरह से स्पाइरली क्वाइल्ड होती है, और मार्सिलिया के राइजोम पे लीव्स के जो पीटियोल है उसके बेस पे जैसे हेयर्स होते हैं जिनको हम रेमेंटा कहते हैं, सारी फॉर्म्स में हम लोग देखें, ये भी एक एक्वेटिक फॉर्नी कहलाती है, हिट्रोस्पोरी प्लांट है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और पेपर वर्ट इसका कॉमनली इस मार्सिलिया को कहते हैं। तो मार्सिलिया की जब लीफ पे हम आते हैं तो लीफ के स्टॉक को पीटियोल कहते ही हैं, और पीटियोल के टर्मिनल एंड पे 4 लीफलेट्स होते हैं, क्वाड्रीफोलिएट टाइप की कंपाउंड लीव्स होने की वजह से इसकी एक स्पीसीज का नाम क्वाड्रीफोलिया भी है। जब हम ये प्लांट मैच्योर होता है तो इस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगती हैं, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहां लगती हैं, पीटियोल के बेस पे, जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं, सीड लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोरोकार्प कहलाती है। साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ये 3 एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, और इन एक्वेटिक फॉर्म्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प कहते हैं, और तीनों एक्वेटिक फॉर्म हीट्रोस्पोरी हैं। हम इस मार्सिलिया की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी रूट की, राइजोम की, पीटियोल की, लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मार्सिलिया। मार्सिलिया
सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखें। फाइटा टेरोप्सिडा लेप्टोस्पोरिंजियोप्सिडा मार्सिलियल्स मार्सिलियेसी मार्सिलिया माइन्यूटा ये स्पीसीज तक जीनस से फैमिली से ऑर्डर से क्लास से डिवीजन तक की बात हम लोगों ने कर ली। जब इस मार्सिलिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मार्सिलिया की प्लांट होगी मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज मैं पहले कह चुका हूं एक्वेटिक हैं, मींस हाइड्रोफिटिक हैं, एक ही बात है। ये देखे ये राइजोम राइजोम ये एडवेंटिशियस रूट्स है ये यंग लीव्स की अगर बात करते हैं तो यंग लीव शो सर्चिनेट बनने से नहीं देखो इस तरह से स्पाइरली क्वाइल हो ये जो लीव्स होती है मैच्योर जो लीव्स हैं ये ऐसी क्वाड्रीफोलिएट टाइप की दीज आर द फोर लीफलेट्स ये फोर लीफलेट्स और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके इस पीटियोल के बेस पे इस तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगती हैं सीड लाइक जिनको स्पोरोकार्प कहते हैं। तो अपने पास ये प्लांट बॉडी देखें ये इस तरह से प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है राइजोम में ये रहा एडवेंटिशियस रूट्स में यंग लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन पहचान है फर्न्स की यंग लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन शो करती हैं ये पिटियोल दीज आर द लीफलेट्स और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनको हम स्पोरोकार्प कहते हैं ये प्लांट बॉडी है मार्सिलिया की। तो प्लांट बॉडी कैसी हुई स्पोरोफिट मीन्स डिप्लोइड प्लांट बॉडी किसमें डिफरेंशिएट हुई रूट में स्टेम में
एंड लीव्स में। रूट कैसी? एडवेंटिशियस टाइप की। स्टेम क्या कहलाता है? राइजोम। लीव्स कैसी? कंपाउंड। कंपाउंड में भी कैसी? पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड में भी कैसी? क्वाड्रीफोलिएट। ऐसी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है मार्सीलिया की। जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी की बात करेंगे, ये देखें एनाटॉमी, तो पहले ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट देखें, टीएस ऑफ रूट। तो चाहे रूट की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें राइजोम की, चाहे पीटियोल की बात करें, अपने को एक चीज जरूर याद रखनी है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स दिखते हैं, एयर कैनाल्स दिखती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मैं अगर इसकी एडवेंटिशियस रूट का सेक्शन काटता हूं, मेरे को सबसे बाहर ये एक यूनिशीलिएट मीन सिंगल लेयर्ड ये स्ट्रक्चर दिखेगी, और इस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस पे ये कुछ इन्हीं की आउटग्रोथ है, और प्रोलॉन्ग एपिडर्मल सेल्स को ही हम रूट हेयर्स कह देते हैं। यूनिसेलुलर ये रूट हेयर है। जब हम इसकी ये एक पार्ट की बात करते हैं इस रूट की, तो इनर मोस्ट पार्ट ये अपने पास इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस कहलाती है। ये देखो ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल की लेयर बना रहा हूं मैं, ये पेरिसाइकिल। सेंटर में जाइलम है, और जाइलम मेटाजाइलम सेंटर में, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल रीजन पे एक्सार्क टाइप का है, और उस प्रोटोजाइलम के केवल और केवल दो ही स्ट्रैंड अपने को दिखते हैं, इसलिए वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। ये देखो ये प्रोटोजाइलम। इसी तरह यहां की अगर बात करें, ये देखो ये प्रोटोजाइलम। ऐसी कंडीशन जिसमें दो प्रोटोजाइलम के स्टैंड दिखते हो डाइआर्क कंडीशन कहलाती है, और ये रिमेनिंग पूरा का पूरा जो पार्ट अपने को दिख रहा है ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। ऐसी स्टील को प्रोटोस्टील कहते हैं। क्या कहलाती है? प्रोटोस्टील। तो अपने को यह ध्यान रखने की बात है, ये जो पार्ट बच गया ये पूरा कॉर्टेक्स है, और इस कॉर्टेक्स में एपिडर्मिस के नीचे आउटर कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमा का बना हुआ ये आउटर कॉर्टेक्स, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं है, ये आउटर कॉर्टेक्स। उसके बाद एक ये जो मैं बात कर रहा हूं ये इनर कॉर्टेक्स की, और इस इनर कॉर्टेक्स में और आउटर कॉर्टेक्स के बीच में ये अपने को सेप्टा दिख रहे हैं। ये देखें ये सेप्टा है, और इस सेप्टा से ही अपने को एक बात समझ में आ रही है कि ये
बीच में जो चीजें बच गई ये एयर चैम्बर्स है। अब ये जो इनर कॉर्टेक्स है, ये इनर कॉर्टेक्स मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ये इनर कॉर्टेक्स थिक वॉल्ड है, स्क्लेरेनकाइमेटस है। तो इस तरह से इसकी रूट की एनाटॉमी अगर आप लोग देखेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो गई। देखो एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में एंड प्रोटोस्टील में। अगर मैं लेबलिंग करूं, ये देखो अब अपने पास आउटर कॉर्टेक्स, इस आउटर कॉर्टेक्स में ये पेरेन्काइमा, ये सेप्टा, ये एयर चैम्बर, ये अपने पास इनर कॉर्टेक्स, जिसमें ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, ये फ्लोएम, ये अपने पास प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये स्ट्रक्चर अपने को दिखती है। इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये थिक वॉल्ड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए सेल्स हैं, ये एयर कैनाल्स इसको फ्लोट करने में हेल्प करने वाली सेल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स का मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर्स भी हो सकते हैं, सरफेस से भी ले सकती है। ये प्रोटोस्टील पिथ नहीं होती, सेंटर में जाइलम उसके अराउंड फ्लोएम होता है, पिथ अब्सेंट होती तो प्रोटोस्टील कहलाती है। डाई आर्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम के जो दो स्टैंड दिखते हैं उसको डाई आर्क कहते हैं। इस तरह से ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को पता चली रूट की। ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर राइजोम की कैसी होती है, पीटियोल की कैसी होती है, इसके जो लीफलेट अपने को नजर आ रहे हैं, इस लीफलेट की कैसी है, इस लीफलेट में वेनेशन भी देखो आप किस तरह का होता है, वेनेशन कभी आपने इसके अंदर देखा हो तो इस तरह का वेनेशन, ये देखो ये मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट का मतलब मेनी मिडरिब्स प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ दैट लीफलेट, मल्टीकोस्टेट और रेटिकुलेट वेनेशन, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इस मार्सिलिया की लीफलेट्स में देखने को मिलता है। हमको सिर्फ अभी ये एडवेंटिशियस रूट्स देखी है। एडवेंटिशियस रूट के बाद, क्योंकि अपने को पता है एडवेंटिशियस रूट अगर ये फ्लोट भी करा, एक्वेटिक भी है, तो ये रूट्स तो उसके बॉटम तक गई भी है, वहीं से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब भी करती हैं, और फिर राइजोम ये जो देख रहे हैं ये सबमर्ज फॉर्म में, एक्वेटिक फॉर्म में कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियस हैबिटेट वाले प्लांट हैं, स्पीसीज हैं, तो ये मार्सी हैबिटेट में दलदल में भी इस तरह से अंडरग्राउंड या सबटेरेन ये ग्रो करता है, क्रीप करता है, प्रोस्टेटली ग्रो करता है, राइजोम कहलाता है। इसकी एनाटॉमी के साथ हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे और इसी की नोड्स पे, ये रूट्स है, नोड्स पे, ये नोड्स पे ही अपर साइड लीव्स निकलती है, ये नोड्स पे रूट्स, लोअर साइड अपर साइड लीव्स निकलती हैं। नोड्स इंटर नोड्स में डिफरेंशिएट है। नीचे की तरफ जो एडवेंटिशियस रूट है उसकी हमने बात कर ली। ये जो लीव्स है, यंग लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन शो करती, स्पाइरली क्वाइन होती है। मैच्योर लीफ में पीटियोल कितना बड़ा होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, डिपेंड करता है ये कितनी डेप्थ पे ग्रो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस पीटियोल की लेंथ होती है, क्योंकि लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो लीफलेट्स है ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में रहती है, और पीटियोल की लेंथ उस पर डिपेंड करती है।
तो हम इस राइजोम की एनाटॉमी देखेंगे, पीटियोल की एनाटॉमी देखेंगे, इस लीफलेट की एनाटॉमी भी देखेंगे, उसके बाद जब इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी तब हम रिप्रोडक्शन पे आएंगे, और जैसे रिप्रोडक्शन का नाम आएगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हम स्पोरोकार्प से ही स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे रिमेनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, देन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।